तो आज हम लोग अब बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, कल हमने सेटसन फॉर्मूला पढ़ा था। नाम से क्लियर है कॉम्बिनेशन। तो जैसे हमारे पास कुछ वेक्टर है, मान लेते हैं लेट ए बी सी बी एनी वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, एंड एक्स वाई जेड बी स्केलर्स। स्केलर समझते हो? देन कोई अब दूसरा वेक्टर ले लेता हूं, अ वेक्टर आर इज लीनियर कॉम्बिनेशन आर इज ऐसे, इसके बाद में आर इज गिवन है दिस आर इक्वल टू, मान लो ऐसा है एक्स टाइम्स ए वाई टाइम्स बी और जेड टाइम्स सी इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ही हुआ फिर। हाँ, एक तरह से एक इंट्रा ओ तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया 2a-3b+4 से, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ एबीसी का। हाँ, एक्स टू वाई अगर माइनस मैं ए ऐसा ले लूं प्लस तो एक्स वाई तो जेड इस वन हाँ ए बी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप एबीसी का कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर ले लो, तो बड़ा आसान हो गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। समझ में आया? हाँ ऐसा भी तो हो सकता है 1/2 a 3/4 times b+7 times c। लो ये भी कुछ भी, मतलब ए बी सी हाँ का कोफिशिएंट कोई भी नंबर लगा दो तो हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन। बस ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, इस पर पहला सवाल है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, देन प्रूव दैट AB+AC इक्वल 2 times AD। ये प्रूव करना है। ठीक तो ऐसा कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ, सब ए से शुरू करना है तो ए को ओरिजिन मान लो, हाँ क्योंकि जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें सब जो ए सब में है, तो मैं पहले हाँ मान लेता हूँ लेट ए विद द ओरिजिन, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी बेटा।
और मैं मान लेता हूं जो बी है उसका पोजीशन वेक्टर ये बी है, और जो सी है उसका पोजीशन वेक्टर सी है, इनको लिख भी लेंगे। हम ऐसा लिख लेते हैं कि ओ से बी तक जो है वो वेक्टर स्मॉल बी है, और ओ से सी नहीं, ओ ओ जो ए है यहाँ पर तो कोई बात नहीं, ए बी, और जो ए सी है वो वेक्टर सी। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा गया है? कि डी बी सी का मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है, तो तो फिर फिर हम तो कुछ मान सकते हैं एडी वेक्टर को, डी मिड डी बी पॉइंट है वेक्टर। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ ना, ये आपके पास हाँ वेक्टर बी है ये सी है, तो डी का तो सीधे ही मिल गया बी प्लस सी बाई टू, हाँ इस बात को लिखते हैं पहले। सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो फिर ओडी ओडी वेक्टर कितना हो जाएगा सीधे सेक्शन फॉर्मूले से, बी प्लस सी बाई टू, ओडी वही मतलब एडी, एडी। हाँ तो टू टाइम्स एडी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बी यानी मतलब कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अब बताओ क्या था इसमें। वेक्टर सबसे आसान ब्रांच है और 12th में 30-35 मार्क्स का आएगा इससे, मतलब केवल वेक्टर 3D ही पास करा सकती है आपको, 30-35 तो अच्छा स्कोर है एक ही सेक्शन से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हाँ, और वेक्टर की मदद से हम ज्योमेट्री के बहुत सारे रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। अब हम एक करते हैं, हाँ एक बहुत है। फेमस, जैसे जैसे सेक्शन फॉर्मूला जो हमने अभी कल वेक्टर्स की मदद से प्रूफ किया, इसे समझा, तो वो भी एक तरह से ज्योमेट्री का थोड़ा वैसा जनरलाइजेशन है। हाँ बिल्कुल है। और भी बताता हूं मैं, अगला जो है जो ट्राइंगल होता है ना, तो ट्राइंगल के जो मीडियंस होती हैं वो हाँ एक ही पॉइंट से तो इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, मतलब हाँ वो ट्रंकरेंट होती है, ट्रंकरेंट मतलब एक संगामी एक ही बिंदु से जाने वाली, हाँ ये वेक्टर में प्रूफ करते हैं। चलो क्वेश्चन है, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, कितना बड़ा सवाल लगता है ज्योमेट्री में, कितना आसान हो जाता है यहाँ। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, तो कोई भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो ऐसे ही सही बन गया जो बन गया, ए ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए मान लेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, और सी का स्मॉल सी, एक्चुअली ओ कहीं रहा होगा तो ओ ए ओ बी ओ सी रहा होगा, वो हम बना ही नहीं रहे। ठीक है, हाँ अच्छा अब एक मीडियन ले लेता हूं मैं ये वाले, ये मान लेते हैं डी, तो हम सीधे लिख देंगे कि ये बी प्लस सी बाई टू हुआ, हाँ ठीक हो गया। तो ऐसे ही एक मीडियन बी से शुरू करता हूं, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका पोजीशन वेक्टर, ए प्लस सी बाय टू। वेरी गुड, ऐसे तीसरा होगा लेकिन दो से काम चल जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं अब थोड़ा सा। ओ कहीं ओरिजिन होगा उसको छोड़िए, लेट पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी बी
वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी रिस्पेक्टिव, ठीक हो गया। लेट एडी एंड बीई बी मीडियंस, ये मीडियन देन पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एंड ई विल बी डी का क्या लिखूंगा, बी प्लस सी बाई टू और ई का ए प्लस सी बाय टू। रिस्पेक्टिव। ठीक है, अब हाँ जो पॉइंट अभी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं हम जो पॉइंट एडी को ऐसे समझो, ये ए है ये डी है, इसका पोजिशन वेक्टर ए है और इसका बी प्लस सी बाई टू और बीच में कोई पॉइंट मान लेता हूँ डी, अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है तो हम सेक्शन फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेकिन एडी तो पहले दिया है, उस पॉइंट को हम कुछ और मान लें। अरे जी मान लो यार, चलिए जी के लिए कर रहे हैं ना, हाँ तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इक्वल टू टाइम्स इधर वाला, उधर 2 है तो इधर क्या होगा, ए प्लस सी बाय टू प्लस 1 टाइम्स उधर वाला पोजीशन वेक्टर ए अपॉन 2+1, ऐसा ही होता है। अब हाँ मतलब सेक्शन फॉर्मूला सोचो ना, ए है और वो भी एम बी है, अगर जो इधर एम और इधर एन है तो एम टाइम्स बी प्लस एन टाइम्स ए अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस, तो यही होगा ना, हाँ तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री। तो जी का ये आ जाएगा। समझ में आया बेटा, सेंटर सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए इसी का सरल रूप था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, वाई वन y1, प्लस वाई टू बाय हाँ वही थ्री। तो है ये, हाँ तो जी आ गया। अब ये बताओ, जैसे तुमने एडी में सेक्शन फॉर्मूला लगाया, क्या तुम बीई में लगा सकते हो वैसे ही, हाँ तो वहां से भी जी के कोऑर्डिनेट यही आएंगे, हाँ वही आ रहे। और अगर वैसे ही तीसरे में लगाओ तो तो फिर वो वैसे भी वही आएंगे। ये फिर ए इससे बी क्या ए प्लस, साबित हुआ, ये एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट एडी पर भी है, यही पॉइंट बीई बीई में पर भी है भी, और यही सीएफ पॉइंट पर भी, सीएफ में भी आ सीएफ रहा है। पर। अरे तो मतलब ये पॉइंट तीनों में है, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ना ये, तो हाँ कितना आसान हुआ यार, कुछ नहीं करना है, एट में समझना है बस सेक्शन फॉर्मूला, जबकि ये ज्योमेट्री में ज्यादा दिक्कत करता है हाई स्कूल में, हाँ तो किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियंस होती हैं आपस में कंकरेंट होती हैं, सेक्शन फॉर्मूले की मदद से कितना आसान हो गया। क्या क्लियर हुआ?
हाँ क्लियर है। अच्छा, कुछ छोटे छोटे ज्योमेट्री के ऐसे सवाल वेक्टर की मदद से और कर रखे हैं इन्होंने, तो खुद करने हुए, जब तक तो खुद नहीं करोगे क्या फायदा, कि हर चीज मैं नहीं कराऊंगा। इतना जो कोई इनको जो ढंग से करे तो मेरे ख्याल से बस ज्योमेट्री भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए, अगर ये क्लियर है तो। इन सवालों को करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व है ना, अनसॉल्व नहीं भी कर हाँ दो तो कुछ आसान सवाल जो बहुत कठिन भी ना हो तो ये किए जा सकते हैं, इनको जरूर करना है। तो ये एप्लीकेशन है सेक्शन फॉर्मूले, मेरे ख्याल से 8 दिन में अगर इतना जो हो जाए तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंक्लूड करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, जो काफी महत्वपूर्ण है उन पे बात करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक लगातार सिस्टमेटिक चलोगे और पुराना कवर करते हुए चलोगे आगे बहुत आसान लगेगा, छोड़ते हुए चलोगे तो बहुत टफ भी लगेगा, सीधी बात ये है। तो ये थर्ड एक्सरसाइज जो है आज, और इसके सॉल्व में ही 20 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व में 20 क्वेश्चंस, और 11 क्वेश्चंस में देख रहा हूँ अनसॉल्व में, तो मुझे नहीं लगता 8 दिन में इससे ज्यादा पॉसिबल है, तो बहुत ज्यादा हुआ। अब जितना कर सकते हो बेटा, अगर सॉल्व में कुछ भी करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। चलो इतना ही किया जाए, ठीक है। हेलो, ओके तो इसको आप बैठो और करना सब